आप लोगों ने जैसा भूपेंद्र जी ने बताया ऐसा कुछ नहीं हो, आप लोगों के बीच में ऐसा ही हो और आप सरकार और हमारे बीच में हमेशा दूरी बनी रहती है और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो MBC जो वर्ग बना है वो सब संघर्ष से बना है। पिछली जो सरकार ने जो विसंगतियां की थी RPSC के जो परिणाम में जो रिजल्ट आया आपका RSA का और सभी भर्तियों में कर रही है, आपका ही नहीं है, सभी भर्तियों में हो रहा है। जो मेरिट है वो जनरल से ऊपर दे रहे हैं, लास्ट में जब कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट के बाद में जो निर्णय होते हैं उन निर्णय को भी नहीं माना जाता। चाहे आप RPSC में देख लो, अधीनस्थ चयन बोर्ड में देख लो या किसी भी भर्ती में देख लो, सभी लोग परेशान हैं। और जो ये सरकार बदली है वो सरकार बदलने का आप लोगों का कारण रहा है, युवा वर्ग का कारण रहा है। युवा वर्ग पिछली सरकार से बड़ा दुखी हो गया था क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही थी, लोग बेरोजगार थे और रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। आप लोग मेहनत करते हो और अपनी काबिलियत से परीक्षा पास करते हो, लेकिन उसमें कुछ चुनिंदा बायस जो अधिकारी बैठे हैं वो लोग किसी एक वर्ग से बायस होके हमेशा रिजल्ट में गड़बड़ी करते हैं। हो सकता है इनका न्यायपालिका में भी कहीं कहीं कोई दबाव रहा हो, न्यायपालिका के लोग न्यायपालिका में भी हमारे खिलाफ हमेशा निर्णय गलत होते रहे, हम लोग उन्हीं निर्णयों के खिलाफ हमेशा खड़े हैं। आपके तरह ही हम लोग हमेशा संघर्ष में हैं। आप लोगों की जो समस्या है वो पिछली सरकार की देन है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, शायद लाहौटी जी का वीडियो था, आपके यही संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि ये सरकार हनीमून पे है और ये सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है, हम इसको ऐसा करेंगे, हम रोड पे बैठेंगे। तो उनसे आप एक सवाल करते कि ये जो आज जो बैठे हैं हम, वो आपके कारण बैठे हुए हैं। यदि वो सही तरीके से आपकी बात सुनते, अधिकारी बात सुनते, मंत्री बात सुनते, मुख्यमंत्री जी बात सुनते, तो ये समस्या आपके बीच में नहीं आती। जो 40 दिन का जो आपको एक शॉट समय मिला है वो समय बहुत कम है। मैं भी मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी दोनों से मांग करेंगे और लगातार 2-3 दिन से मैंने भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी दिल्ली थे वो। तो आपकी जो मांग है वो मांग जायज है और वाजिब मांग है, इस वाजिब मांग का हम समर्थन करते हैं, मैं समर्थन करता हूं। आप लोग जहां भी संघर्ष के लिए तैयार खड़े होंगे वहां हम तैयार रहेंगे। आप लोग पिछले 4-5 दिन से जो इतनी बड़ी ठंड पड़ रही है, बहुत जबरदस्त ठंड है, दो दो रजाइयों के बीच में आदमी घर पे भी ठंड में रहता है, आप खुले आसमान के नीचे हैं, तो ये सरकार बदलने का, इस तरीके से सरकार नहीं बदलनी चाहिए। यदि लग रहा है सरकार के अधिकारी सुन रहे हैं, सरकार के जो CID वाले सुन रहे हैं, ये मैं मीडिया के माध्यम से आपकी एक अपील सरकार के पास पहुंचाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो वाजिब है उस मांग को जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो ये जन आक्रोश, जो युवा आक्रोश है, ये जगह जगह फैलेगा और हम लोग भी रोड पे बैठने को तैयार हैं आपके साथ। आज बात करते हैं दिल्ली से, शायद मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आ गए होंगे, तो उनसे बात करते हैं, यदि नहीं मानेंगे तो आपके लिए आपके साथ मैं भी बैठने को तैयार हूं। आप लोग समाज के, अभी मेरे को कुछ आपके साथीगण बता रहे थे कि साहब आप दबाव बनाइए विधायकों पे, देखिए भाई विधायक तो पार्टी लेवल पे है, वो यहाँ भी नहीं आएंगे क्योंकि आप जो धरना दे रहे हो, BJP वाले जरूर आ जाएंगे लेकिन कांग्रेस वाले नहीं आएंगे, क्योंकि कांग्रेस वाले सब पार्टी लाइन पे रहते हैं और पार्टी लाइन के खिलाफ उनको ये लगता है कहीं मुख्यमंत्री जी नहीं देख ले, कहीं उप मुख्यमंत्री जी नहीं देख ले, तो इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। आप लोग आपके दबाव से आपके जो यूथ है उनको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें और इसको यही है मेरा, तो आप लोग मिलने का प्रयास करिए।
मैं भी बात करता हूँ, उप मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं। अभी लेक्चरर की जो भर्ती थी उसकी जो डेट बढ़ाई है, उस दिन मैं ही था, मैं भी था वहीं, मुख्यमंत्री जी के पास थे। जो बातें चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये पेपर छप गए हैं, लेकिन उनकी पेपर छपने के बाद भी डेट बढ़ी है। अभी तो आपका ऐसा कुछ नहीं है, तो आप संघर्ष जारी रखें। आपका जोश देखते हुए पूरे लोगों में ये मैसेज है, पूरे राजस्थान में मैसेज है कि हमारे आरक्षित वर्ग के साथ ये कुठाराघात किया जा रहा है, और ये कुठाराघात कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने, आप सभी को पता है कि हम लोगों ने बड़े संघर्ष के बाद एमबीसी वर्ग बना है, और यदि हम लोग इसी तरीके से चुप रहे और आप लोग अधिकारी बनने के लिए तैयार बैठे हैं, आपको तैयारी करनी चाहिए थी सरकार की, और ये बात एक दिन में सुन लेनी चाहिए थी, बिना धरने के सुन लेनी चाहिए थी। वो बात नहीं सुनने के कारण आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, आप अधिकारी बनने के लिए बैठे हैं, आपको तैयारी के लिए समय चाहिए था, वो समय आप यहाँ गंवा रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है, इस लोकतंत्र में, गणतंत्र में बड़ी दुख की बात है कि युवा अपने अधिकारों के लिए एक परीक्षा के परिणाम के लिए धरने पे बैठता है, एक परीक्षा की डेट बढ़वाने के लिए धरने पे बैठता है। ये बड़ी शर्म की बात है, और ये लोकतंत्र में, ये गणतंत्र में बड़ी शर्म की बात है कि आप केवल अपने अपने, ये तो कहीं नहीं रहेगा, आप परीक्षा रद्द कर दीजिए, आप केवल एक डेट बढ़वाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, पांच दिन से यह रोड पे बैठे हैं। ये बड़ी दुख की बात है, ये हमारे लिए दुख की बात है, पूरे समाज के लिए दुख की बात है। आप लोग एक डेलीगेशन बना लो, मुख्यमंत्री जी से मैं भी बात कर, अभी समय लेंगे, डायरेक्ट तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, जो हमारे सोर्स है उनसे बात करेंगे, मीडिया के माध्यम से भी हम पहुंचाएंगे उनको बात, यदि वो बात सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके साथ हम भी धरने पे बैठने के लिए तैयार है। और इस धरने को राजस्थान के सभी जिलों में, क्योंकि आरक्षित वर्ग के साथ धोखा किया जा रहा है, और आरक्षित वर्ग के साथ धोखा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है सरकार से, यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।